हेलो दोस्तों, चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म जियो स्टॉर्म को। लोगों ने ट्रेलर देखा, 2017 में मूवी आने वाली है जियो स्टॉर्म। बड़े बड़े तहल के ट्रेलर में दिखने को मिले, उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब मूवी रिलीज़ हो गई और सब टाइटा फिश, क्योंकि मूवी में ट्रेलर में जो दिखाया गया है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि 3D में मूवी आने वाली है, पर्दे पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2012 नाम की एक हॉलीवुड में मूवी आई थी जिसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला, उसके मुकाबले ये मूवी कुछ भी नहीं है। सारे अपेक्षा उम्मीदों पर यह मूवी फ्लॉप हो गई है। धरती को बचा तो स्टोरी इस मूवी की मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को, कि धरती को बचाने के लिए धरती पर जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आने वाली है, कुछ भी डिज़ास्टर अगर आने वाला है, तो उन पर देखरेख रखने के लिए एक सैटेलाइट जैसा, एक स्पेसशिप जैसा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाकर रखा है। तो सब बातों पर वो नज़र रख रहा है, बट अचानक से उसी को किसी ने हैक कर लिया है। अब उसे हैक तो कर लिया गया है, तो उसको बचाना कैसे है? तो प्रेसिडेंट की उंगलियां है उसमें, उनका फिंगरप्रिंट के द्वारा उन्हें कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो क्या करें, प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। इसी तरह से ये मूवी चलती रहती है। अब हमारे हीरो है बटलर, उन्होंने काम तो अच्छा किया है बट उन्हें काम ही नहीं दिया है। उनके ज़्यादातर सीन उनके भाई और उनके बीच ही में रहते हैं, रोने धोने जैसे सीन चलते रहते हैं। पता नहीं क्यों उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा पैमाने पर इस फिल्म में डाली गई है। अब किस तरह से हमारे हीरो और हमारे सारे हॉलीवुड के लोग मिलके इस डिज़ास्टर से हमारी दुनिया को, पृथ्वी को बचाते हैं, इसी तरह से यह मूवी बढ़ती रहती है। और बहुत सारे फेक सीन इसमें दिखाए गए हैं जो कि 2017 के दौरान लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के इफ़ेक्ट होंगे। बिकॉज अगर हम देखें तो क्रिश और क्रिश 3 बाहुबली, इसके इफ़ेक्ट कई गुना बेहतर है इससे। तो दोस्तों, इसी तरह से ये मूवी है जो कि बिल्कुल पैसा वेस्ट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा थोड़ा पैसा है और काफ़ी सारा टाइम है तो जाइए इस मूवी को देखिए। अदरवाइज़ अगर इफ़ेक्ट्स ही देखने हैं काफ़ी अच्छे पैमाने पर, तो आप 2012 भी फिर से देख ले तो भी बेहतर होगा। तो इसी तरह से मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।